स्वागत है दोस्तों, यह है वीडियोस चैनल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैड प्रो वीडियो सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्टील स्ट्रक्चर, आरसी स्ट्रक्चर और किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर और किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर, डैम, ब्रिज, रोड, सब चीज़ें हम डिज़ाइन और एनालाइज सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उन्हीं में से जो दो फेमस सॉफ्टवेयर हैं वो हैं स्टैड प्रो और ई टैब, और आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैड प्रो की। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैड प्रो बेंटली कंपनी का है और इसको हम बोलते हैं स्टैड प्रो V8i, यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोफेशनल वर्जन 8 इंटरनेशनल। तो स्टैड प्रो से हम किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज और डिज़ाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हैं, उससे पहला स्टेप जो आपका होता है, फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है मॉडलिंग। फर्स्ट स्टेप मॉडलिंग, यानी कि सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर का एक 3D मॉडल बनाना होगा या 2D मॉडल बनाना होगा। तो स्टैड प्रो में भी फर्स्ट स्टेप आपका मॉडलिंग है। अब स्टैड प्रो में आप मॉडलिंग तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब माउस और कीबोर्ड की हेल्प से। और जो स्टैड प्रो में आपको, जैसे इस पेंट में आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं टूल्स के, इन आइकन्स पे क्लिक करके हेल्प से आप माउस की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो अपना मॉडल, उसको बोलते हैं हम GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका एडिटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा सीखने के लिए। एडिटर एक वो टूल है आपका स्टैड प्रो में, जिसमें हम कीबोर्ड से कमांड टाइप करके, जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, सी लैंग्वेज सीखते हैं, उस तरह प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपना मॉडल बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्डिंग को एडिटिंग बहुत फास्ट तरीके से एडिटिंग करता है और बहुत इजीली आप बिल्डिंग में कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडलिंग बनाने का तरीका है आपका किसी भी अदर सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा स्टैड प्रो रिविट आर्किटेक्चर और ऑटो कैड की फाइल एक्सेप्ट करता है। तो ऑटो कैड की कुछ स्पेशल फाइल होती है, जैसे कि .dxf। अगर हम अपनी ऑटो कैड की फाइल को इस फॉर्मेट में सेव करेंगे तो स्टैड प्रो में इम्पोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा मॉडल ऑटो कैड से स्टैड प्रो में आ जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं हमारे मॉडल बनाने के, मॉडलिंग के, और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टैड एडिटर, उसके बाद GUI और उसके बाद आपका अदर सॉफ्टवेयर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्टैड प्रो ऑन करता हूँ। मेरे पास जो स्टैड प्रो का वर्जन है, स्टैड प्रो V8i SS6, ये सेलेक्ट सीरीज चल रही है इसमें V8i के अंदर। अभी आपको नॉर्मली आपको गूगल पे 4 मिल जाएगा, ये 6 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। मैं इसको डबल क्लिक करके ऑन करता हूँ। देखिए स्टैड प्रो ऑन हो चुका है। यहाँ पे रिसेंट फाइल पे जो मैंने काम किया वो फाइल्स हैं, यहाँ पे टेक्निकल हेल्प है और यहाँ पे कुछ लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं आप, तो एक पूछता है चार चीज़ें, स्पेस, प्लेन, फ्लोट, ट्रच, यानी किस टाइप का मॉडल आप बनाना चाहते हो इसमें से सेलेक्ट कर लो। स्पेस का मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर, प्लेन का मतलब 2D स्ट्रक्चर, फ्लोर का मतलब स्लैब बनानी है अगर आपको, ट्रस का मतलब ट्रस स्ट्रक्चर बनाना है। यानी कि मान लीजिए मैं ट्रस सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट करके, तो जो मेरा माउस का कर्सर होगा वो डायरेक्टली ट्रस बनाएगा, उस तरह डायरेक्टली स्लैब बनाएगा, डायरेक्टली प्लेन, डायरेक्टली स्पेस। और हम स्पेस के अंदर जाके प्लेन, फ्लोर, स्लैब, ट्रस भी बना सकते हैं। किसी स्पेशली किसी इंडिविजुअल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप स्पेस में सारे काम कर सकते हैं। तो फाइल का यहाँ पे टाइटल डालते हैं, Day 1 डाल देते हैं हम। यहाँ पे कहाँ फाइल आपको सेव करनी है, यहाँ पे यूनिट्स मीटर ले लेता हूँ मैं और फोर्स किलोमीटर में लेता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये विंडो आ जाती है। इस विंडो में आपका सबसे पहले है ऐड बीम और यहाँ पे इमेज भी है। ऐड बीम का मतलब है कि अगर मैं ऐड बीम पे क्लिक करने के बाद फिनिश करता हूँ, तो मेरा जो माउस का कर्सर है वो कहीं पर भी क्लिक करने पर ऑटोमेटिक बीम बनाएगा,
यानी कि डायरेक्टली बीम बनाएगा, मैं बीम टूल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बीम बनाएगा। सिंपल, अगर मैं ऐड प्लेट पे क्लिक करता हूँ तो प्लेट बनाएगा, स्लैब। स्लैब को स्टैट प्रॉम प्लेट बोलते हैं। इसी तरह हम सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाएगा, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड को हम डिटेल में अंदर से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ उसका। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड एक एप्लीकेशन है स्टैट प्रो के अंदर, अगर उस पर क्लिक करते हो आप तो एक एप्लीकेशन ओपन होगी जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पहले से। तो अगर आपका स्ट्रक्चर उनके स्ट्रक्चर जैसा है जो इसमें पहले से बने हुए हैं, तो उन्हें इम्पोर्ट करके उनके डायमेंशन चेंज करके आप अपना मॉडल जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन स्टैट एडिटर, जो अभी मैंने बताया जो आज हम सीखेंगे एडिटर वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लेकिन हम अंदर जाके भी ओपन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे क्लिक करना। ओपन बिल्डिंग प्लानर, देखिए मैंने अभी बताया कि आपको सिलेक्ट सीरीज, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सीरीज 6 है मेरे पास, आपको 4 जनरली मिल जाएगा, ढूंढने से आप ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा डीपली, तो 6 मिल जाएगा। 6 में नया ऑप्शन आया है ओपन बिल्डिंग प्लानर, यानी कि बिल्डिंग प्लानिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, 4 में ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन खुलेगी, इसमें आप इंजीनियर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम और कब स्टार्ट हो रहा है सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। और इसमें भी सेम एड बीम के अंदर जाकर आप ये सारे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी इंडिविजुअल में जाना। फिनिश, देखिए हमारा स्टैट प्रो ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, वर्टिकल ऊपर ओरिजेंटल टूल्स हैं, और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, और ये आपकी ग्रिड आ गई है, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी हम क्या करते हैं, इनमें से किसी चीज़ को टच नहीं करते हैं, ना ही किसी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें क्या सीखना है अभी, एडिटर। तो हमें सीखना है अभी एडिटर, तो हम ओपन करेंगे एडिटर। तो स्टैट में देखिए रेड कलर का आइकन है और इस पर एक पेंसिल बनी हुई है, एडिटर यानी कि कुछ टाइप करना। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया है। देखिए जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लिखनी हो उस टाइप की विंडो है। देखिए जो मैंने अभी बताया स्टैट प्रो सिलेक्ट सीरीज 4 और 6 में क्या डिफरेंस है, एक तो बताया मैंने प्लानिंग का, बिल्डिंग प्लानिंग का ऑप्शन ऐड हो गया, एक चेंज हो रहा है कि जो सिलेक्ट सीरीज 4 में जो एडिटर है उसमें ये सारे ऑप्शन नहीं है कॉपी पेस्ट के इन सब के। और साथ में जो देख रहे हैं आप यहाँ पे प्लस माइनस ये सारा चीज़, ये विंडो टेक्स्ट कम हो जाता है, प्लस होके उसके अंदर चला जाता है, फिर प्लस पे क्लिक करोगे तो खुल जाता है, ये ऑप्शन नहीं था, नंबरिंग नहीं थी, सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा एडिटर हो गया, इसे ओपन कर फुल स्क्रीन कर लेते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। देखिए जब आपका एडिटर ओपन होता है तो आप किसी और चीज़ को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, ये आपसे सब लोग कहेंगे, बट ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइल में जाइए और एक सेकेंड, मिनिमाइज देन दिस। हाँ देखिए स्टैट एडिटर में जो मेंबर है कॉलम और बीम है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, दो ब्लैक डॉट और फिर एक लाइन और फिर एक ब्लैक डॉट। जो लाइन है उसको बोलते हैं मेंबर, वो कॉलम अगर हॉरिजॉन्टल है तो बीम, वर्टिकल है तो कॉलम। आई जो ब्लैक है आपको ये डॉट, इनको बोलते हैं नोड। तो इस तरह से हमारा एक बीम बनता है। और कोऑर्डिनेट हम जानते हैं क्या कैसे होंगे, स्टैट प्रो में ये एक्स है और ये वाई है। अगर अब हमें एक बीम बनाना है एडिटर की हेल्प से, तो हमें पता होना चाहिए उस बीम की लेंथ। मान लीजिए इसकी लेंथ है 10 मीटर और हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट। मान लीजिए इस नोड का हर एक नोड और मेंबर का नंबर होता है, तो मान लीजिए इसका नंबर है 1 और इसका मेंबर है 2 और हमारे मेंबर का नंबर भी है 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये ओरिजिन पे है तो 0 0 x y z 0, और ये अगर एक्स डायरेक्शन में बीम जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 10 0 0। ओके, ये इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, लेंथ चाहिए इन्फॉर्मेशन, नंबर्स चाहिए, नोड नंबर, बीम नंबर और हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, इस बीम को एडिटर की हेल्प से। तो
तो देखिए सबसे पहले आ रहा है, हमने स्टैट स्पेस सेलेक्ट किया था वहाँ पे, उसके बाद जॉब इन्फॉर्मेशन हमने कुछ डाली नहीं है अभी। आप बस इतना ध्यान रखिए जो भी प्रोग्रामिंग हमें टाइप करनी है, जो इनपुट विथ 79 है और फिनिशर्स के बीच में करनी है, तो मैं 79 के पास ले गया और एंटर मारा। तो सबसे पहले देखिए हमें बनाने होंगे जॉइंट्स, ये ब्लैक वाले जॉइंट्स, ये नॉट्स। तो इनको बनाने के लिए हम क्या टाइप करेंगे, जॉइंट कोऑर्डिनेट, कैप्स हो स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंटर। उसके बाद जॉइंट नंबर वन बनाना है हमें, तो उसका नंबर क्या है, वन। ये वन क्या है आपका, उस जॉइंट का नंबर, स्पेस उसके कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो स्पेस जीरो स्पेस जीरो, यही है ना आपका। इसको सेव करके हम क्लोज कर देते हैं एडिटर को, और जब स्टैट प्रो में देखोगे आप ये यूनिट पूछेगा, ओके करोगे तो देखिए एक जॉइंट बन चुका है ये नोड। दोबारा हम एडिटर में जाते हैं, अब दूसरा जॉइंट बनाते हैं, एंटर टू। टू क्या है आपका, सेकंड जो जॉइंट है उसका नंबर टू, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, स्पेशल के 10 मीटर एक्स डायरेक्शन में, वाई में जीरो जेड में जीरो। सेव करके दोबारा चेक करते हैं, देखिए दो नोड बन चुके हैं। ये ऐसे इंक्लाइन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यू जो है आइसोमेट्रिक व्यू है। अभी पहले बीम बना लेते हैं, उसके बाद व्यू की बात करेंगे। दोबारा एडिटर में जाते हैं, अब हमें मेंबर बनाना है, तो मेंबर बनाने के लिए हम लिखेंगे मेंबर इंसिडेंस, एंटर। मेंबर का नंबर क्या है, वन। वो कौन से नोड से कनेक्ट है, वन, और किससे है, टू से। तो ये वन वन टू का मतलब समझ गया, जो फर्स्ट वन है वो है मेंबर का नंबर, और सेकंड वन जो है वो नोड नंबर वन से कनेक्ट है और नोड नंबर टू से। सेव करके हम चेक करेंगे इसको यूनिट, तो देखिए बीम बन चुका है। अब ये इंक्लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ क्यूब्स हैं येलो कलर के। देखिए जो फर्स्ट क्यूब है इसका जो फेस है फ्रंट वो येलो है, इसका मतलब ये फ्रंट व्यू है। इसी तरह ये बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आइसोमेट्रिक, तो ये हमारा बीम बन चुका है। अब आगे हम बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी इससे मॉडल करेंगे, सपोर्ट लगाएंगे, आईटी से लोड लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।